उद्योगपति रतन टाटा ने मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में ली अंतिम सांस। आवास पर लाया गया रतन टाटा का पार्थिव शरीर, राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। लाओस के दो दिवसीय दौरे पर रवाना हुए पीएम मोदी, लाओस के पीएम और अन्य नेताओं के साथ होगी द्विपक्षीय बैठकें। हरियाणा में विधायक दल की बैठक आज, नायब सैनिका सीएम बनना तय, दो डिप्टी सीएम भी होंगे। दिल्ली सीएम आवास इलोने पर गरमाई दिल्ली की सियासत, आप और बीजेपी शीश महल पर आमने सामने। नेशनल कॉन्फ्रेंस उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला का रुख सख्त, कहा अनुच्छेद 370 पर लोगों को नहीं बना सकते बेवकूफ। डोडा में आपकी जीत से गदगद अरविंद केजरीवाल, 13 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के डोडा में धन्यवाद रैली करेंगे। आज भारतीय सेना चीनी सीमा के पास करेगी सीनियर कमांडरों की मीटिंग, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होंगे शामिल। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान के डूंगरपुर मामले में संभल सर्विलांस इंचार्ज की गवाही, आज होगी रामपुर कोर्ट में सुनवाई। अमेरिका से खरीदे जाएंगे 31 प्रीडेटर ड्रोन, देश में बनेंगी 2 परमाणु पनडुब्बियां, कैबिनेट समिति ने दिखाई हरी झंडी। हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना की दमदार पारी, भारत ने श्रीलंका को हराया, सेमीफाइनल की उम्मीदें बरकरार। पीएम मोदी की तारीफ में ट्रंप ने पढ़े कसीदे, बोले पिता जैसे दिखते हैं मोदी, मेरे अच्छे दोस्त। अमेरिका से टकराया सदी का सबसे खतरनाक तूफान मिल्टन, 3 घंटे में हुई 3 महीनों की बारिश, बाढ़ की चपेट में 20 लाख लोग। ब्रिटेन में नहीं होगी नगा इंसानी खोपड़ी की नीलामी, 2.30 लाख रुपए थी कीमत, जयशंकर से शिकायत के बाद लिया गया फैसला। इंतकाम के मूड में इसराइल, हिजबुल्ला के 6 टॉप कमांडर समेत 50 लड़ाके किए ढेर, लेबनान में कर दी मिसाइलों की बारिश। इसराइल ने लेबनान के नागरिक सुरक्षा केंद्र पर किया हवाई हमला, 5 स्वास्थ्य कर्मियों की गई जान। कैबिनेट बैठक में सरकारी कर्मियों के हाथ लगी मायूसी, नहीं मिला महंगाई भत्ता। इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या बढ़कर 96.96 करोड़ पहुंची, दूर संचार कंपनियों को हर ग्राहक से 8% अधिक कमाई। विशेष सेबी कोर्ट ने खारिज की केतन पारेख की याचिका, जुर्माना भुगतान में चूक मामले में कार्रवाई। ग्रे मार्केट में 70% घटा ह्युंडई का प्रीमियम, भाव तय होते ही 147 रुपए पहुंचा। वित्त मंत्री सीतारमन बोली, यूरोपीय संघ का प्रस्तावित कार्बन टैक्स मनमाना, भारत के निर्यात को होगा नुकसान।